नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी से पूछताछ और सोनिया गांधी को समन भेजे जाने का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। बुधवार को इसी संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला। जयराम रमेश ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी की विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को काउंटर करने के लिए बीजेपी राहुल और सोनिया गांधी तोड़ो नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से कांग्रेस संगठन कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकालेगा। जब कांग्रेस भारत जोड़ो कहती है तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री राहुल तोड़ो, सोनिया गांधी तोड़ो, कांग्रेस तोड़ो की कोशिश कर रहे हैं। यह एक साजिश है और इस षड्यंत्र के खिलाफ बुधवार को अकबर रोड में हमारे विधायक सांसद आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम भारत जोड़ो यात्रा में 2 अक्टूबर से कांग्रेस संगठन निकलेगा और इसको काउंटर करने के लिए सोनिया गांधी तोड़ो, राहुल गांधी तोड़ो, कांग्रेस तोड़ो, तो इसके खिलाफ 24 नंबर अकबर रोड में हमारे विधायक मौजूद हैं, हमारे सांसद मौजूद हैं और इस षड्यंत्र के खिलाफ हम हमारी आवाज उठा रहे हैं। जयराम रमेश बोले कि हमारे कई सांसदों और विधायकों को हमारे ही ऑफिस में प्रवेश से रोका गया। हम स्पीकर से मिले, राज्यसभा के अध्यक्ष से मिले, राष्ट्रपति तक गए हैं। मोदी सरकार बदले की राजनीति करती है जिसमें पुलिस, सीबीआई, ईडी समेत सारी संस्था लगी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया के जरिए हमारी आवाज जनता तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारत जोड़ो में लगी रहेगी और ये सोनिया गांधी तोड़ो, राहुल गांधी तोड़ो की राजनीति सफल नहीं होने देगी।